हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए। विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बेरिश है, लेकिन आज अगर आप देखें 3:30 बजे के आसपास एक स्ट्रॉन्ग फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिला है। एंड मैंने निफ्टी में 10,100 के आसपास पूरा का पूरा पोजीशन रिवर्स कर लिया। वो इसलिए कर लिया क्योंकि 10,000 से बार बार ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा था एंड 10,100 पे एक साइकोलॉजिकल राउंड ऑफ नंबर भी था। वहां से मैंने पूरा का पूरा पोजीशन रिवर्स किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं फॉलो कर रहा था, स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम, एंड मेरा स्टॉप लॉस हुआ एंड पूरा का पूरा पोजीशन रिवर्स हो गया। सो अभी मेरा व्यू बुलिश है एंड जो इमीडिएट टारगेट आते हैं वो 10,350 तक के आते हैं। और आज का अगर आप स्पेशली मूव देखें तो लास्ट के 3:15 के बाद जो मूवमेंट आया है, बहुत सारा शॉर्ट पोजीशन ट्रैप हुआ है, लोगों को टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने का एंड लोगों को टाइम ही नहीं मिला शॉर्ट पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने का। ये जो सिनारियो है इसमें मुझे लगता है कि कल एक बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन ट्रैप हो चुकी है। तो कल एक बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है और इमीडिएट बेसिस पर टारगेट होंगे 10,300-10,350 जो कि प्रीवियस हाइज थे। बैंक निफ्टी पर अगर आप देखें 21,000 के ऊपर मैंने पूरा का पूरा पोजीशन रिवर्स कर लिया। बैंक निफ्टी में भी मैं ट्रेलिंग रूल्स फॉलो कर रहा था एंड 21,150 ये लेवल्स के आसपास मैंने पूरा का पूरा पोजीशन रिवर्स कर लिया है। अभी मेरा व्यू बुलिश है और बैंक निफ्टी में जो अभी टारगेट एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट टारगेट आते हैं 21,800 एंड 22,000। सो कल मुझे लगता है गैप ऑफ ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है और जो एक्सपायरी भी है वो पॉजिटिव एक्सपायरी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी रेंज होगा 21,700-21,600 से लेके 22,000, ये बैंक निफ्टी का रेंज हो सकता है, और निफ्टी में 10,250 से लेके 10,350 के बीच में। सो मुझे लगता है यहाँ से 100 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है और करीबन 400-500 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। खिलाड़ी नंबर वन में जो पोजिशन था मेरा पूरा का पूरा पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर दिया है। अब मेरा खिलाड़ी नंबर वन शो में कोई ओपन पोजिशन नहीं है, कल फ्रेश ट्रेड लेंगे उसमें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ ट्रेड दिए थे वो डिस्कस करते हैं। भारतीय एयरटेल आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, 565 के नीचे सेल ट्रिगर हुआ था बट तुरंत इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। डॉक्टर रेड्डी मैंने आपको बाय दिया था 4142 के ऊपर, इसमें काफी अच्छा पैसा बना, 4190 तक जाके आया ये। M&M मैंने आपको बाय दिया था 484 के आसपास, 484 के ऊपर ये गया नहीं तो इसमें बाय लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ है, तो ये ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखें 420 के लेवल से काफी अच्छा पॉजिटिव बाइंग हमें देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिला है। पर आज अगर आप देखें बैंकिंग्स में लास्ट मोमेंट पे बाइंग था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल बैंकिंग सेक्टर में, बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, ये सब जो बैंक्स में जो एक्सट्रीमली बाइंग हुआ है, कल के दिन में मुझे लगता है बैंक्स पॉजिटिव अपमूव देखने को मिल सकता है बैंक्स में ज्यादातर। एक्सिस बैंक मुझे लगता है यहाँ से 445-450 तक के टारगेट्स इजिली दिखा सकता है। सो एक्सिस बैंक काफी अच्छा बाय रहेगा। इसका भी सेटअप काफी अच्छा है, अगर आप देखें ऑलमोस्ट ट्रायंगल है एंड मुझे लगता है ये ट्रायंगल ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो 450-460 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। कोटक बैंक में काफी अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला 1300 के लेवल से। कोटक बैंक में मुझे लगता है यहाँ से 1350-1370 ये पॉसिबल टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो कोटक भी काफी अच्छा बाय रहेगा। एंड लास्ट स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें 1550 के आसपास ये स्टॉक काफी अच्छा 2-3 दिन होल्ड किया है और आज इसमें फ्रेश अपमूव हमें देखने को मिला है। इसमें मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे 1600 प्लस के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 1620-1600 ये टारगेट्स होंगे रिलायंस के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये था एनालिसिस कल के सेशन के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।